इच्छा रूपी रोग की जननी भोग नहीं त्याग है, इसीलिए भोगों से विरक्त होकर त्याग की प्रेरणा लेनी चाहिए। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्का के ढोकले। तो आइए देखते हैं मक्का के ढोकले हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसे हम अष्टमी चतुर्दशी के दिन भी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 1 से 2 कटोरी मक्के का आटा, जो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, जिसकी हमें रोटी बनानी है उसे थोड़ा सा मोटा वाला चलेगा। हमें चाहिए इसमें हरी मिर्ची और थोड़े से नींबू या फिर कच्ची कैरी का पला हुआ भी चल सकता है। यदि अष्टमी चौदस को बना रहे हैं तो हम इन दोनों चीज़ों को हटा देंगे और खटाई के लिए अमचूर पाउडर का यूज़ करेंगे। हमने इसमें स्वाद के अनुसार 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच के करीब धनिया डाला है और हमने डाली है इसमें लाल मिर्ची। हम इसमें थोड़ा सा सौंफ और जीरा भी डाल सकते हैं। और जब हम अष्टमी चौदस को नहीं बना रहे हैं तो हम इसके अंदर थोड़े से जो हमारी हरी मिर्ची है उसको कट करके डालेंगे। और देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यदि आप चाहें तो इसी में आप 1 चम्मच खांड शुगर का बूरा भी हमारा इसमें डाल सकते हैं। देखिए, आटा हमारा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है, तो इससे ये बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने छना हुआ जल लिया है और जो 3 नींबू का रस है वो भी हम इसमें डालेंगे। तो देखिए, हमने इसको गर्म नहीं किया है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर का ही जल है, जो हमारा पहले से ही गर्म करके ठंडा किया हुआ है, मर्यादित है। और हमने इसमें नींबू का रस ऐड किया है। और अब देखिए, हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डालनी इसमें, 1 से 1.5 चम्मच बहुत है। तो देखिए, हमें पानी की क्वांटिटी मेरा इतनी 2 कटोरी में करीब, हमारा 2 कटोरी के करीब ही पानी लगा है। आप अंदाज से अपना देख लें, इसे बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, बस थोड़ा ही नरम रहेगा। तो आप देख सकते हो मेरा ये आटा कितना है, ये इजीली इसे मेरा बंध रहा है। अब इसको थोड़ा सा इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें जल और डाल लूँगी, तो जिससे ये अच्छी तरीके से ऐसे बन जाएगा। आप देख रहे हो ना, ऐसा अच्छे से इसको बन जाना चाहिए और इसके किनारे भी नहीं मुड़े। और देखिए, हम इसको अच्छी तरीके से सबको गोल गोल ऐसे बाटी की जैसे बना लेंगे और बीच में ऐसा इसमें गड्ढा कर लेंगे, जैसे हम मेंदू बड़े बनाते ना, बिल्कुल वैसे ही। तो हमें इस तरीके से इसको बना लेना है। तो और दूसरी साइड हमने बॉईल करने के लिए पानी रखा है 1 तपीले में, जो हमारा छना हुआ जल है। हम छने हुए जल को ही गर्म करते हैं, क्योंकि अनछना जल हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। तो देखिए, जब ये पानी हमारा अच्छी तरीके से उबल जाएगा ना, तभी आपको डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि थोड़े से कम ठंडे पानी में आपने डाल दिया तो ये जो हमारे बनाए हमने ढोकले, ये सारे घुल जाएंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अगर अच्छे तेज पानी में डालेंगे तो ये हमारे घुलेंगे भी नहीं, और पानी की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो ये हमारे टूटेंगे भी नहीं, अच्छे से हो जाएंगे। और देखिए, हमने इसको ढक के पहले 5 मिनट रखा है, और उसके बाद हम इसको इसे हल्के हाथों से चला लेंगे। तो देखिए, इसे बहुत ज़्यादा पूरा पैक करके ढकना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पैक कर दिया तो इसका पानी बहुत बाहर निकलेगा। तो इसको हल्का सा खुला छोड़ देंगे और इस तरीके से तेज आंच पे हम इसे बॉईल होने देंगे, तो ये बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाते हैं। इसे बॉईल होने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरीके से बॉईल होकर ऊपर आ जाएंगे। आपने देखा ना कैसे ऊपर आ गए, बस ऐसे ऊपर आएंगे। फिर आप उसे एक अलग से हमारे बाउल में ऐसे निकाल कर और उसे कट करके देख लें कि ये अच्छे से हमारा बफ गया है, तो बहुत जल्दी बफ जाएगा। और देखिए, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा तेल यूज़ होगा हमारा तलना, तो उससे ये हमारा हेल्दी भी बहुत होगा। मक्का का जैसे हमने बनाया है, सेम इसी प्रोसेस से आप इसको ज्वार से भी बना सकते हैं, आप इसको बाजरे से भी बना सकते हैं, या फिर रागी से भी बना सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको प्लेट में डालेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम कच्चा तेल डालेंगे, जो हमारा मूँगफली का तेल है। तो कच्चा तेल डालने से क्या होता है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और आप इसके साथ चाहें तो आप कढ़ी भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने इसमें यहाँ पर जो इसी का बॉईल किया हुआ जो पानी था ना, वो पानी लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें देखिए, नमक की मात्रा थोड़ी सी हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसको बॉईल करते हैं ना तो इसमें नमक कम हो जाता है। तो जो पानी है, आप इस पानी में भी नमक का यूज़ कर सकते हैं, और आपको कम नमक खाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके साथ में आप खट्टी मीठी कोई भी छूंदा या नींबू का अचार भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर कैरी का छूंदा बनाया है, तो उससे यह बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार मैं आपको और बता दूँ कि इसकी 2 प्रोसेस है। जैसे हमने अभी यहाँ पे इसको पानी के साथ ऐसे ही सर्व किया ना, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा मसाला कम हो जाता है, तो थोड़ा चटपटा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से इसको ऊपर से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने देखिए अभी यहाँ पे इसे पीस बना के डाले हैं, अभी आप इस चाहें तो इसे पूरा फोड़ ले तो उससे भी ये बहुत सब जगह अच्छे से मसाला इसमें चला जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसमें एक चम्मच सौंफ डाली है, एक चम्मच जीरा डाला है और हमारी थोड़ी सी अगर आपको हरी मिर्ची कम लग रही है तो आप इसमें और डाल सकते हैं, इसमें हरी मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और थोड़े से सिके हुए दरदरे मूँगफली के दाने हैं ये मैंने इसमें डाले हैं तो ये अच्छा टेस्ट देगा। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर लें और एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें खांड शुगर भी डालेंगे तो इसका टेस्ट इसमें अच्छा आता है, क्योंकि हमने अंदर नींबू का रस डाला है ना खटाई के लिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। यदि आप केरी डाल रहे हैं, थोड़ा सा आंवला कद्दूकस करके डाल रहे हैं तो भी आपका टेस्ट ऐसा ही आएगा। देखिए ना राजस्थान में बनती है ये डिश, तो पारंपरिक जो डिश बनती है उसके अंदर वो लोग दही से इसको गूंथ, दही का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें जीरा और सौंफ डाली है, मिर्ची डाली है तो उससे इसमें द्विदल का दोष लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नींबू या फिर हमारी केरी की खटाई के साथ इसको बनाएंगे। तो देखिए हल्का सा हमने इसमें गरम मसाला भी डाला था, आपने देखा था, तो इस तरीके से हम इसको अच्छे मिक्स करेंगे और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको झटपट कम तेल मसाले में बहुत ही पौष्टिक इस तरीके से भी हम नमकीन डिश बना सकते हैं। देखिए भोजन हमेशा शुद्ध और ताज़ा ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए क्योंकि इसमें ऊर्जा से भरपूर होता है, यदि ये बासी हो जाता है तो उसमें तमस गुण प्रकट हो जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए इसे आप अधिक से अधिक 6 घंटे की मर्यादा के अंदर प्रयोग कर लें। इस व्यंजन को आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं, सुबह शाम जब भी आप इसे नाश्ते के रूप में भी बना सकते हैं। जैनागम के अनुसार बनने वाली शुद्ध व्यंजन विधि का मुक्त कंठ से प्रचार प्रसार करें, सभी साधर्मियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैनागम के अनुसार शुद्ध सात्विक भोजन शाकाहारी भोजन ही हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, तो इसी प्रकार शुद्ध भोजन से मन और तन स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय जिनेन्द्र।